बेटा 18 तरीक नो हुए, 9वीं क्लास दे, पैस रिविजन टेस्ट दो हल करके तुम्हें भेज रहे हैं। ध्यान देखना बेटा, सारा नेम हिसाब का सिर्फ मैथ दे सोल्यूशन भेज रहे हैं तुम्हें। हुण तुसीं ध्यान देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। कहते दिते गए चित्र विच ओ ए ते ओ बी बराबर ने। देखो ओ है, ओ तो ए, ओ तो बी बराबर ने, ओ डी ते ओ सी बराबर ने। देखो सिंगल लाइन सिंगल दे बराबर, डबल डबल दे बराबर है, ते हेठ लिखे विचों केड़ा सही है। हुण ध्यान नाल देखना सारा ने बेटा, साढ़े को चार ऑप्शन ने। तुसी कुछ नहीं करना है बेटा, सरबंग समता का बहुत ही वधिया नियम है कि जो त्रिभुज सरबंग सम लिखते हैं ना, जे ओ ए ओ बी दे बराबर है तो देखो ओ ए पहले दो ने तो ओ बी भी पहले दो होने चाहिए ने। बिल्कुल सही, ओ ए ते ओ बी बराबर हो गए। हुण ओ सी ओ डी, ओ सी अखीर दो विच लिखा है तो ओ डी भी अखीरले दो विच लिखा होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, यही तो आंसर होगा। हुण तुसी अगला चेक कर सकते हो, जे तुसी कहने हो सर बाकी आंसर भी चेक करके दिखाओ, तो ओ ए लास्ट दो ने ते ओ बी लास्ट दो नहीं है, कट गया बेटा। ओ ए पहले दो अखर ने ते ओ बी पहले दो अखर ने, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ओ सी पहला तो अखीला है लेकिन ओ डी पहला अखीला नहीं है, इस करके भी आंसर का पार्ट नहीं होगा। इसी तरह बेटा देखो, ओ ए पहला तो अखीला अखर है लेकिन इतने ओ बी पहला तो अखीला अखर नहीं है। मेरी गल समझ रहे हो, ओ ए ते ओ बी दी पोजीशन सेम होनी चाहिए है ते ओ सी नाल ओ डी दी पोजीशन सेम होनी चाहिए है, ते ओ पोजीशन सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन दे विच सेम है, इसलिए साडा सही आंसर होगा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर बेटा सारा नु, तुहानू पता लग गया किस तरीके ने मैं क्वेश्चन सॉल्व किया है। हुण आपां सैकंड क्वेश्चन करांगे। हुण दूजे सवाल च देखो बेटा, सानू की कहा गया है, इन्हां विचों केहड़ी अपरिमेय संख्या नहीं है। बेटा हुण तुहानू सारा नु पता है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। जिहड़ा नंबर दे विच वर्गमूल खत्म हो जाता है उसनों असी परिमेय जां अपरिमेय नहीं कहने हां। और यह मतलब असं देखना है कि केड़ी, देखो हर एक दे विच कोई ना कोई कितने ना कितने वर्गमूल हैगा है, असं यह देखना है कि सॉल्व करके कि वर्गमूल खत्म होंदा है। ठीक है बेटा, हुण सब तो पहले असं अपनी पहली रकम वल चलते हाँ, जिहदे विच है 5 जमा वर्गमूल 5। हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कि 5 जमा वर्गमूल 5 विच एक परिमेय ते एक अपरिमेय नूं जोड़िया नहीं जा सकता, इहदा मतलब वर्गमूल 5 खत्म नहीं होवेगा, इस करके साडा आंसर नहीं हो सकता। हुण अगे देखते हैं बेटा, इन्होंने गुणा करना है, तो गुणा जो करते हैं तो जी रकम है वो दोनों घर के दोनों मैंबर में मिलती है, तो जो वर्गमूल 5 दोनों मिलेगा तो 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा, जमा वर्गमूल 5 जो वर्गमूल 5 मिलता है तो 5 5 आता है, लेकिन वर्गमूल 5 खत्म नहीं होया, इस करके ये भी तो इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता। अगे देखते हैं बेटा, ये ध्यान देखो, पहला अखर पहले न मैच कर रहा है, दूजे वाला दूजे मैच कर रहा है, इस करके इतने असी ए जमा बी ए माइनस बी का फॉर्मूला जो कि ए दी 2 माइनस बी दी 2 होंदा है लगा सकते हैं, है ना। तो हुण तुसीं सारिआं नूं पता ही है कि ए दी 2 माइनस बी दी 2 का फॉर्मूला की होंदा है, ए मतलब 2 ए दी 2 हो गया, माइनस बी दी 2 मतलब वर्गमूल 5 दी घात 2 आ गई, 2 दूनी 4 माइनस वर्गमूल ना 2 घात कट्टी गई तो बच गया 5, तो इस तरह देखिया तो साडा वर्गमूल खत्म हो गया है, तो ये भी वर्गमूल खत्म नहीं होगा, तो साडा सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन जिहड़ा है आ चुका है। दूजे सवाल का ऑप्शन सी साडा सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा होगा। हुण आपां तीजा सवाल करांगे। तीजे सवाल है कि संख्या 2.6754 किहड़ियां दो संख्यावां विचकार स्थित होगा। मतलब तुसीं देखना कि 2.6754 किहड़ा दोनों के विचकार आएगा। देखो 2 दशमलव चाहिए, इत्थे 0 दशमलव है, पहला अक्षर कट गया, 2 दशमलव नहीं है, इहदा मतलब आंसर इन्हां दोनों के विचकार होगा, इस गल का ध्यान रखना है। और देखो 2.6754 2.6754 अगे इस तो बाद आएगा ना, भी 2.6754 तो उपर ही आ गया, विचकार नहीं तो उपर ही है, यदि मतलब 2.6754 ये तीजी ऑप्शन के विचकार होगा, तो साडा ऑप्शन कौन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा ऑप्शन सी साडा आंसर होगा, जो कि बिना सॉल्व किए ही सानू पता लग गया बेटा। हुण आपां चौथा सवाल करांगे। हुण चौथे सवाल च देखो बेटा की कहा जा रहा है सानू,
कहिंदे चित्र विच L1 ते L2 समांतर ने, देख सकते हो तुसी, ते फिगर दे विच X दा मुल पता करना है। हुण तुहानू सारे पता जो समांतर रेखावां नूं कोई काटवीं रेखा कटदी है तो उस काटवीं रेखा दे इको पासे जां तां A वाले कोण जां वाले कोण इको पासे अंदरले कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है बेटा। तो ये साडा एक काटवीं रेखा ते अंदरले वाले इको पासे बने कोण ने बेटा, जिन्हां नूं असीं को इंटीरियर एंगल भी बोल दें। तो इन्हों का जोड़ कि होंदा है 180, ये मतलब 3x + 20 + 2x का जोड़ कि बराबर होएगा 180 के बराबर होएगा, है ना। तो हूँ जो अपन जोड़िए 3x वाला x भी जुड़ता है 5x हो गया, जमा वी के बराबर रखा आप 180 के बराबर रखा, ठीक है ना। हूँ जो आप एक्स वाली रकम इतने रहन दईए तो बगैर एक्स वाली रकम उस पास भेजा तो वी जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर आ गया बेटा 160 के। तो एक्स कितना होएगा 160/5 दे। हूँ 160 को असी 5 नाल भाग करिए तो 5 × 5 = 10 × 5 = 30 = 15 पकाया एक रह गया, एक नाल 0 लगा 10 × 5 = 10 साडा आंसर कितना आ गया बेटा 32 डिग्री, जो कि साडा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4th का जिहड़ा ऑप्शन आया है तुहाडे कोल उह सी आया है। तो बहुत ही सौखे ढंग नाल तुहानू समझाने की कोशिश की है कि जदों भी काटवीं रेखा दे अंदरले दोनों कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है, तो इस करके असीं जोड़ के असीं 180 दे बराबर रख्या है तां जो असीं एक्स दा मुल पता कर सकीए। हुण पंजवां सवाल बेटा ध्यान नाल देखियो सारे, सानूं कहा जा रहा है कि दित्ते गए चित्र विच सब तो वड्डा कोण केड़ा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन द गिवन फिगर। हुण ध्यान देखो, मैं फिगर तुहाडा अपनी कापी ते भी बनाया है, पी क्यू आर ए 5 सेंटीमीटर दिती गई है, ए 7 सेंटीमीटर दिती गई है, तो ए 6 सेंटीमीटर। हुण सोचने वाली गल ये है कि बई भुजावां तो असी कोण कितना करता करिए, सानूं तो कोई कोण पता ही नहीं है, है ना। बहुत ही सौखा तरीका है बेटा, ध्यान देखियो, इस गल का ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज के विच जे सानू भुजावां दित्तियां होन ते उन्हां भुजावां दी मदद नाल असीं ये पता करना होवे कि कोण किहड़ा वड्डा है ते किहड़ा छोटा है। तो याद रखना है बेटा, छोटी भुजा सब तो छोटी भुजा कीड़ी है बेटा 5, छोटी भुजा दे बिल्कुल सामने जिहड़ा कोण हुंदा है वह छोटा हुंदा है, ठीक है। इहदा मतलब जे तुहानू कोई सब तो छोटा कोण पुछेगा तो तुसीं सब तो छोटी भुजा दे बिल्कुल सामने वाला कोण मतलब आर कोण दस देना सीगा, लेकिन तुहानू बेटा सब तो वड्डा कोण पुछा गया है। तो सब तो वड्डा कोण किहड़ा होएगा फिर, जे सब तो छोटी भुजा दे सामने वाला सब तो छोटा कोण होएगा तो सब तो वड्डी भुजा दे सामने वाला कोण सब तो वड्डा होएगा। इहदा मतलब साडे कोल जिहड़ा सब तो वड्डा कोण होएगा वह किहड़ा होएगा, कोण पी होएगा। तो हुण कोण पी तुहानू इत्थे ऑप्शन दे विच कित्थों लभेगा बेटा, मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि कोई भी कोण लिखिया होवे कोण हमेशा विचकारला अक्षर ते हुंदा है, मतलब पी क्यू आर तो कोई नहीं। हुण तुसीं मैनूं दस्सिया कि सब तो वड्डी भुजा दे सामने वाला कोण सब तो वड्डा हुंदा है, इहदा मतलब कोण पी तुहाडे कोल अकॉर्डिंगली सब तो वड्डा है, इहदा मतलब ऑप्शन किहड़ा होएगा ऑप्शन ई तुहाडा इस सवाल दा आंसर होएगा। इहदा मतलब क्वेश्चन 5वें दा जिहड़ा ऑप्शन है ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 5 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਥ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।